मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव है, 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही पार्टियां कमोबेश भाजपा और कांग्रेस जो है वो कमर कस कर तैयारी कर रही हैं, क्योंकि आज जो करेंगे उसके परिणाम 4 महीने बाद प्राप्त होंगे। क्योंकि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और यहाँ पर ये क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, यहाँ पर जो योजनाएं बनती हैं, यहाँ पर जो काम होते हैं और यहाँ पर जो आम जनता की आवाज़ होती है वो पूरे प्रदेश में दृष्टिगोचर होती है, गुंजित होती है। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष रवि मालवीय जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं रवि जी से कि किस कार्य योजना पर वो काम कर रहे हैं और किस तरह से पूरे प्रदेश के इस चुनाव को देख रहे हैं। रवि जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और सबसे पहले जो पहला प्रश्न मुझे होना चाहिए कि एक जिलाध्यक्ष के रूप में आपको क्या लगता है इस वक्त मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, खासतौर पर बुधनी विधानसभा क्षेत्र की? सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज का स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र बुधनी से आप यहाँ पधारे हैं तो मैं उनकी तरफ से भी आपका स्वागत करता हूँ। और जो आपने मुझसे प्रश्न किया है कि एक जिलाध्यक्ष के रूप में मैं पार्टी की स्थिति को कैसे देखता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके यशस्वी 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उनके द्वारा किए गए लोकप्रिय जनहितैषी कार्यों के कारण और माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार 18 वर्षों से जनता जनार्दन के लिए, इस मध्य प्रदेश के लिए जो कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता के कारण मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जनता आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीहोर जिले में 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें से बुधनी से माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से निर्वाचित होते हैं और 3 और विधानसभा जो बुधनी, इछावर और आष्टा होती है। हमने पिछले चुनाव में भी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। हमारे इस ज़िले में 3 संसदीय क्षेत्र लगते हैं, इसमें विदिशा, भोपाल और देवास साजापुर में आष्टा विधानसभा आती है। 3 माननीय सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अभी पंचायत चुनाव हुए, जनपद के चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें पूरे ज़िले से कांग्रेस क्लीन स्वीप हुई है। सिर्फ कोठरी को छोड़कर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और इसमें मैं सराहना देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के जनहितैषी कार्यों को। और माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता तो ऐसी है कि हर व्यक्ति उनसे सीधे जुड़ा है। उन्होंने जनता जनार्दन के, समाज के सब वर्गों के लिए वो किया है, जिसका एहसास भी उन लोगों को है। और इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आपने पंचायत चुनाव की बात की और एक आपने जगह का नाम लिया कोठरी, जहाँ पर कांग्रेस ने जो है वहाँ पर अपना प्रतिनिधि चुना है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पंचायत पर कब्जा हुआ है कांग्रेस का। आपको लगता है कि ये एक आहट के रूप में लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि पंचायत चुनाव में जो हुआ है उसका कहीं परिदृश्य इस चुनाव में दिखाई ना दे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। कई स्थानों पर चुनाव में वहाँ से हम अपेक्षाकृत परिणाम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ये निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि स्थानीय निकाय चुनाव व्यक्ति के फेस पर होते हैं और पार्टी के फेस पर ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं। तो इसलिए इन चुनावों को उनसे जोड़कर पूरी तरह से मैं मानता हूँ कि अगर उनको आपस में दोनों का कोई मेल नहीं है, इसमें सिंबल पर, विचारधारा के आधार पर जनता वोट करती है। और हम फिर भी सतर्कता के साथ जहाँ हमारी कमजोरी है वहाँ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पार्टी बूथ स्तर तक एक पूरा कैंपेन चलाती है। और हमारे बूथ के, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि बूथ के अंदर भी जो वोटर लिस्ट का पेज होता है, हमारा बूथ का पेज प्रभारी भी आज से एक्टिव है और वो उस पेज पर निवासरत हमारे 30-35 मतदाता से संपर्क करने के लिए उसके हाथ में अभी से वो पेज है कि आपको इस पे काम करना है। एक तरफ प्रदेश से में होने वाले कामों का क्रियान्वयन, दूसरा बूथ पर पेज समिति तक जाके जनता के काम करना, सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का जो ग्रास रूट पे करने का हमारा नेटवर्क है वो सक्रियता से काम कर रहा है। रवि जी, जिलाध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से एक बड़ा दायित्व आपके पास में है, लेकिन उस दायित्व के अंतर्गत क्या क्या ऐसे काम हैं महत्वपूर्ण जो इस वक्त आप कर रहे हैं?
इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो यह है कि आज पूरे संगठन को जो जिला मंडल, मंडल से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से बूथ और बूथ से पेज समिति तक जाकर ये पूरा संगठन के कार्यकर्ताओं का नेटवर्क को सक्रिय करना और सकारात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ठीक ढंग से पहुंचाना, और जो कांग्रेस नकारात्मक प्रचार के आधार पर हमेशा वोट हासिल करने का प्रयास करती है, तो उनके इस कुचक्र का हर स्तर पर जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रहें, इस हेतु हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पिछली बार जो कि कांग्रेस 2018 में आ गई थी और इस बार कांग्रेस फिर से कोशिश कर रही है, तो क्या बदलाव आया है? मैं सवाल को जिनसे पूछ सकता हूं मैं कि पहले से ऐसा क्या हो गया कि इस बार कांग्रेस नहीं आएगी और भाजपा आएगी? देखिए, पिछले बार भी वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा था, सीटों के आंकड़े में हम लोग पीछे थे, और इस बार दो कारण मैं बताऊं, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार जिन वायदों के कारण आई थी, उसमें किसानों के कर्ज माफी की बात हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, कुल मिला के मैं विस्तार में ना जाऊं, सिर्फ कम शब्दों में बताऊं तो जो वायदे किए थे उन्होंने जनता से, उनको पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही। उन्होंने एक तरह से ये मान के चलिए कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, ट्रांसफर पोस्टिंगों में पैसे लगते थे, जनता त्राही त्राही 15 महीने में कर चुकी थी, और उसी का परिणाम था कि उन्हीं के विधायक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके भाजपा में शामिल हुए, तो अब उनके वायदों पर विश्वास कोई नहीं कर रहा है। और ये स्पष्ट है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने वायदा किया कि 1000 रुपये डालूंगा लाडली बहना को, उन्होंने 1000 रुपये डाल दिए, उन्होंने 2000 रुपये किसानों के लिए किसान सम्मान निधि बढ़ा दी, उन्होंने हमारे जीआरएस रोजगार सहायकों के लिए हो, संविदा कर्मचारियों के लिए हो, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उन्होंने जो वायदा किया था वो पूरा कर रहे हैं। और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उनको 15 महीने देख लिया और इसलिए उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो कहा है वो करके दिखाया है, इसलिए उन पर विश्वास करके, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर विश्वास करके जनता भाजपा को चुनेगी और हम 2023 में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस कर्नाटक को लेकर बहुत उत्साह में है, उसका कहना है कि कर्नाटक में जब हम हरा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो, तब जबकि हम पिछली बार तो जीते ही थे। निश्चित रूप से कर्नाटक की जीत उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाली होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ हमारा वोट शेयर कभी भी 25% से अधिक रहा नहीं, और वहाँ भी आप देखिए कि वहाँ भाजपा सीधे कांग्रेस से नहीं हारी है, वहाँ जो पार्टी का वोट जरूर डाइवर्ट हुआ है, तो जब जिस अन्य पार्टी का वोट जो भारतीय जनता पार्टी की बजाय सीधे कांग्रेस में चला गया, और उस नाते कांग्रेस जीती है, लेकिन उसका मध्य प्रदेश पे कोई असर होगा? मैं इसलिए नहीं मानता कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की भूमि है, 20 साल से हम लगातार जीत रहे हैं और इस बार भी हम यहाँ जीत हासिल करेंगे, और आत्मविश्वास के साथ हमारा कार्यकर्ता मैदान में है, हमें कहीं कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम उपलब्धियों से भरे हैं, हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो 24 घंटे में 20 घंटे मेहनत करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जिन्होंने बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की अग्रपांत में लाकर खड़ा कर दिया, उनकी लोकप्रियता की ताकत पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत पर हम विश्वास के साथ आपसे कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस का जो एजेंडा है, जो वादे हैं, उसमें उसने खास तौर पर जो है वो गैस टंकी की बात कही है कि वो 1000 से 500 कर देगी, वो महिलाओं को शिवराज सरकार जो है 1000 रुपये दे रही तो 1500 की बात कर रहे हैं, वो पुरानी पेंशन योजना लागू की बात कर रहे हैं, वो किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे वादे जो हो रहे हैं, आपको लगता नहीं कि आम जनता तक वो पहुँच रहे हैं, तो आम जनता हो सकता है दूसरा मंथन कर रही हूँ?
बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पिछले बार भी इसी तरह सरकार उन्होंने बनाई थी, लेकिन मैं क्रम से बात करूं कि महिलाओं को वो 1500 की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपये महिलाओं के बहनों के खाते में डाल दिए, साथ में ये वायदा किया कि मैं 1250 करूंगा, 1500 करूंगा और अंततः 3000 रुपये तक मैं बहनों के खाते में डालूंगा। आप बताइए, कमलनाथ जी का वायदा मानेगी जनता या माने मुख्यमंत्री जी का, जो कि पैसा डाल चुके हैं। दूसरी बात, किसानों के कर्जे की बात लोग एकदम बेमानी मानते हैं, क्योंकि ये कर नहीं पाए, इनको अवसर मिला था, वो मुद्दा भी इनका पूरी तरह से प्राप्त हो गया। गैस टंकी की यदि बात करते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि 500 की गैस टंकी देते हैं मान लो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो 3000 रुपये तक की राशि बहनों को देने वाले हैं आगे, तो वो उसमें गैस टंकी भी खरीद लेंगी, वो उनमें अपना अन्य कार्य भी कर लेगी। तो जितने भी वायदे कांग्रेस और कमलनाथ कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सारी हवा पहले ही निकाल दी, इसलिए उनके कोई वादे का जनता पर असर नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का भी कुछ आपने भी देखा होगा, लगातार सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती हैं कि उन्होंने एक चार्ट दिया जिसमें कहा कि 500 रुपये 1000 रुपये तो जो है वो टंकी के हो गए, 200 रुपये के सब्जी महंगी हो गई है, 150 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, तो इस ढंग से 1000 रुपये का उन्होंने लगा दिया कि 1000 रुपये तो पहले ही दिन खर्च कर दिए। तो आपको लगता है महंगाई का कहीं कोई संबंध होगा? आम जनता सोच रही होगी इस पर कि हाँ महंगाई तो बढ़ी है। देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं होता कांग्रेस के पास तो वो इस तरह की चीज़ें जिनको जनता के सरोकारों से शामिल है, लेकिन ऐसे मुद्दे उठाती है जिसमें महंगाई की बात करते हैं। आप महंगाई की दर कोविड के बाद पूरे इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, आप अन्य देशों को देखिए और भारत को देखिए, सबसे ज़्यादा महंगाई को नियंत्रित करने का काम किया है तो भारत ने किया है, कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का कार्य किया है तो भारत ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है। तो इसलिए कि सिर्फ टमाटर के भाव बढ़ गए हैं, लोग बड़ा सोचने लगे, कांग्रेस को भी इस दायरे से बाहर आना चाहिए, कांग्रेस को वो मुद्दे उठाना चाहिए जिससे जनता जनार्दन का भला हो सके। अभी मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना, लर्न एंड अर्न, तो अब आप बताइए, उनको सीखेंगे भी, उनको पैसा भी मिलेगा, तो वो युवा भाजपा से जुड़ेंगे या कांग्रेस से जुड़ेंगे? जब वो लाडली बहना के रूप में उनको पैसा डालेंगे, जो संबल योजना के माध्यम से वो सामान्य मृत्यु पे 2 लाख और एक्सीडेंट में 4 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, ये सामान्य घटना नहीं है। और विकास के कामों की मैं बात करूं तो आज मध्य प्रदेश में बिजली के हालात, सड़क के हालात जिस तरह सुधारे हैं मुख्यमंत्री जी ने, सबको दिखता है। तो इस चुनाव में, जो आने वाले चुनाव हैं नवंबर में, युवाओं को तरजीह देने की बात की जा रही है, कोई रणनीति के तहत ऐसा कुछ तय हुआ है कि इतने इतने प्रतिशत युवा आएंगे? क्या गुजरात का जो मॉडल है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? देखिए, ये चूंकि विषय मेरा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी का संगठन इस विषय पे विचार करके तय करता है, और निश्चित रूप से युवाओं को तरजीह देना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में रहा है, लेकिन पार्टी संगठन इसमें बहुत अच्छे से विचार करके जो भी निर्णय लेगा वो मुझे लगता है कि वो ठीक होगा। आप चूँकि अभी जिला अध्यक्ष हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक चाह होती है, सपना होता है, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं दिए जाते, दायित्व दिए जाते हैं, उनका संचालन, उसका करना मात्र हमारा काम होता है। पार्टी ने ये माना कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ तो मैं जिलाध्यक्ष का काम कर रहा हूँ, पार्टी और कोई दायित्व देगी तो उसको काम को करूँगा, लेकिन मूल रूप से सबसे बड़ा पद हमारे पास कार्यकर्ता का होता है, उस कार्यकर्ता का पद हमेशा रहता है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करता रहूँगा और पार्टी जो दायित्व देगी उसको मैं ग्रहण करूँगा। जी, तो बहुत सारा धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका, साधना न्यूज का धन्यवाद, और मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में आने के लिए आपका बहुत हृदय से आभार। तो रवि मालवीय जी से बातचीत हुई, आप जिला अध्यक्ष हैं और अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, खास बात यह है कि बुधनी को लेकर तो आशान्वित है ही सही, पूरे मध्य प्रदेश को लेकर भी आशान्वित है। बहरहाल, आपकी आशा, आपकी जो सोच है वो कितनी फलीभूत होती है, कितनी सच होती है, 4 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, जब परिणाम आएंगे तब पता लगेगा, तब तक का हमें और आप सभी को इंतजार है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।